नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 इसका हम पहले प्रश्न का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ की मदद लेनी होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लो एक पेंसिल का मूल्य बराबर है ₹X और एक कलम का मूल्य है ₹Y। सबसे पहले देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, तो एक पेंसिल ₹X की है, तो 5 पेंसिलें होगी 5X की, 7 कलमें होगी 7Y की, और कुल रकम है, कुल इनका मूल्य है 50। तो इसका मतलब हो गया 5 गुना X 5X प्लस 7 गुना Y 7Y बराबर 50। ये हमारे पास एक समीकरण आई, इसे हम थोड़ा सा हल करेंगे। यहां पर जो 7Y था प्लस 7Y था, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर ये बन जाएगा -7Y। अगले स्टेप में ये जो 5X के साथ गुना हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये उस रकम के साथ हो जाएगा भाग। तो ये हमारे पास पहली समीकरण आ गई है, x बराबर 50y, 50 -7y बटा 5। आपने बटा से डरना नहीं है, हम बड़े सरलता के साथ इसे हल करेंगे। आइए अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन थी 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46। तो एक पेंसिल है ₹X की, तो 7 पेंसिलें हो जाएंगी ₹7X की, एक कलम है ₹Y की, 7 कलमें हो जाएंगी, सॉरी 5 कलमें हो जाएंगी 5Y की, कुल मूल्य है 46। हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो बन जाएगी 7X प्लस 5Y बराबर 46। आइए हम इसे आगे हल करें। ये जो 5Y है, ये यहां पर प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पर, जब ये लेफ्ट उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां पर एक 7 भी है एक्स के साथ, ये लिखा नहीं गया, यहां एक 7 आपने लिखना है साथ में, 7X बराबर 46 -5Y। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी गलती रह गई थी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 7X बराबर 46 -5Y। तो अगले स्टेप में ये जो 7 है एक्स के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ भाग हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के साथ भाग हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक दूसरी समीकरण आ गई है, x बराबर 46 -5y बटा 7। अब ये देख रहे हैं, एक रकम एक इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन ये आई है। आइए अब हम इन्हें बीजगणित के रूप से हल करते हैं टेबल बनाकर, जैसे आप पिछले प्रश्नों में करते रहे। पहली इक्वेशन है x बराबर 50 -7y बटा 5। आइए इसे हल करें। तो हम y की कुछ वैल्यू लेंगे, जैसे y की पहली वैल्यू ली है 5, तो देखो क्या होगा, इक्वेशन में y की जगह लिखे पे 5, तो ये आ गया 50 -7 × 5/5। ध्यान से बच्चों देखेगा, तो 7 × 5 = 35, 50 में से 35 निकाला 15, 15/5, तो 15/5, ये जो 15/5 है, 15 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अगले स्टेप में देखते हैं, y की वैल्यू हमने ली है 0, तो x कितना बन जाएगा, 50 -7 × 0, तो 7 × 0 होता है 0, 50 में से 0 निकाला तो 50, 50/5, 50 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को रोक रोक के देखिएगा ताकि आपको हर एक भाग समझ आए। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू लेते हैं 10, तो x की वैल्यू बन जाएगी 50 -7 × 10, 7 × 10 से होता है 70, तो 50 -70 वो हो जाएगा -20, और -20 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास पहला टेबल आ गया है। आइए अब हम दूसरा टेबल देखते हैं, x बराबर 46 -5y बटा 7। आइए पहले इस टेबल में y की जगह, ये जो y है इसकी जगह हम y के मान लिखते रहेंगे तो x की वैल्यू निकलती रहेगी। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने y का मान लिया है -2, उससे क्या होगा, x बन जाएगा 46 -5 × -2,
तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 46 और 10 हो गया 56। तो 56 को जब 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 8 56, 56 को 7 से भाग करके आ गया 8। दूसरे भाग में देखिए y बराबर है 5, तो x कितना हो जाएगा, 46 माइनस 5 गुना 5, 5 5 25, 46 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास आया 21, तो 21 को 7 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 3। इसी प्रकार से अगले स्टेप में हमने y का मान लिया है 12, 12 लेने पर x कितना हो गया, देखिए 46 माइनस 5 गुना 12 बटा 7, 12 5 होता है 60, 46 माइनस 60 होगा -14/7। यहां एक माइनस लिखना रह गया है, ये भी आप अपने ध्यान से लिख लीजिएगा, यहां -14। कैसे -14, देखो 46 माइनस 60, 60 बड़ा है उसके साथ निशान है माइनस का, तो इसलिए यहां भी निशान होगा माइनस। ये माइनस बेटा लिखा नहीं गया, आप लिख लेना -14/7। तो -14 को जब 7 से भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों समीकरणों को हल किया। आइए इस टेबल को एक बार पिछली स्लाइड दोबारा दिखाता हूं। इस स्लाइड में आप देखेंगे हमारे पास बड़ी वैल्यूज भी हैं, जैसे 10 है, उसके बाद 12 भी है। तो यदि हम इस ग्राफ में 1 2 3 लेते, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 लेते, तो हमारा ग्राफ पूरा नहीं होता, इसलिए हमने हर एक छोटे खाने को 2 पॉइंट माना है। देखिए 0 से 2 है 2 पॉइंट, 2 से 4 ये भी 2 पॉइंट, फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये ग्राफ ऐसे लिया है, हर एक छोटे खाने को 2 पॉइंट माना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, -2 -4 -6 -8 -10, इसी प्रकार से y अक्ष पर भी 2 4 6 8 10 12 14, और y डैश की तरफ भी -2 -4 -6, इस प्रकार से हमने इस ग्राफ को लिया है। आइए अब हम समीकरणों की बात करें। पहली समीकरण है x बराबर 50 -7y/5, जिसकी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x3y5, x10y0, x-4 और y10। तो इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पर दिखाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है x3y5, तो x की तरफ को 3 और y की तरफ को 5, ये रहा। 5 कहाँ होगा बच्चों, देखो 2 4 और 6 के बिल्कुल बीच में, यहां होगा 5। तो ये रहा पॉइंट पहला। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु है x10y0, तो वो यहां आएगा, x की तरफ को 10 और y की तरफ को बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो ये हमारे पास बिंदु आ जाएगा x10y0। और तीसरा जो बिंदु है वो है x-4y10, तो x की तरफ को -4 और y की तरफ को 10, ये आप हाईलाइट करके देख पा रहे हैं इन एरोस की तरफ मदद से, तो ये हमारे पास तीसरा बिंदु आ गया। अगला काम क्या है, फुट्टे की मदद से इन तीनों बिंदुओं को आपस में जोड़ना। ये जो रेखा हमारे पास प्राप्त हुई है, यह समीकरण x बराबर 50 -7y/5 को दर्शाती है। आइए अब हम दूसरा टेबल और दूसरी समीकरण देखें। दूसरी समीकरण थी 46 -5y/7, इसमें से x की जो वैल्यूज आई वो आपके सामने है। सबसे पहली x और y की वैल्यू को हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो x बराबर 8, y बराबर -2। ये जो बिंदु है ये हमारे पास हरे रंग से अंकित, ये आप देख पा रहे हैं, x बराबर 8 और y बराबर -2 ये अंकित हुआ है। अगला बिंदु है 3, 5, x3 y5। ये बिंदु हम पहले भी ऊपर वाले टेबल में भी बना चुके हैं, यहाँ पर अब नीचे भी हमने इसको बनाना है, कोई बात नहीं, x3 y5 ये बिंदु है अंकित। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो है x-2y12, तो x की तरफ को -2, y की तरफ को 12, ये तीसरा बिंदु हमारे पास आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक रेखा हमने बनाई, यह रेखा x बराबर 46 -5y/7 समीकरण को दर्शाती है। अब बच्चों हमें तो इन दो समीकरणों का हल लेना है, तो दो समीकरणों का हल ग्राफीय रूप से कैसे निकालेंगे, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, तो ये देखेंगे ध्यान से, इस बिंदु पर x3 y5, इस बिंदु पर ये दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, यही मिल रही है ना दोनों रेखाएं, लाल रेखा और हरी रेखा, ये इस बिंदु पर मिल रही हैं, और यह बिंदु है x बराबर 3 y बराबर 5।
इसका अर्थ यह है कि x बराबर 3 y बराबर 5 इस समीकरण का हल है, इन दोनों समीकरणों का हल है। तो हम अपने प्रश्न पर वापिस आते हैं। प्रश्न था एक पेंसिल का मूल्य हमने माना था उस समय x के बराबर, x कितना आया है अभी हमारे पास 3 रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपए। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य बराबर होगा y के, हमने शुरू में इसे y के बराबर माना था और अभी समीकरणों का हल निकाल कर हमारे पास y आया है 5। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए और एक कलम का मूल्य है 5 रुपए। यही हमें इस प्रश्न में ग्राफीय विधि से हल करना था। तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रश्न में भी हमने कितनी सारी एनिमेशंस का प्रयोग करके जो ग्राफ बड़ी मुश्किल से कॉपी पे बनता है उसे हमने कंप्यूटर पर बनाकर आपके सामने रखा है ताकि आप इसे सरलता से समझ सकें। यदि आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमारा और मेहनत करके वीडियोस बनाने का हौसला बनता है। धन्यवाद।